हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड क्लास से बहुत से अरुण सर, तो मैं आप लोगों के बीच में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो विभिन्न खेलों का शुभंकर है, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा। जैसे आपको कल से ही पेपर होने वाला है जो ग्रुप डी का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होगा ये वीडियो। जो इसे जिनको एग्जाम देना होगा कल, इस वीडियो को आज जरूर देखेंगे, आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। शुरू करते हैं आज का जो आपका प्रमुख खेलों का शुभंकर है, एकदम नेक्स्ट एग्जाम होगा, पक्का आपको एक नंबर मिलेगा इस वीडियो से, जरूर देखेंगे। और देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये कैसा लगा आज का वीडियो, जरूर बताएंगे आप लोग। तो शुरू करते हैं पहले नंबर सवाल, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो आपका अदरवाइज जो होगा, किस मतलब इसका शुभंकर क्या है? तो ईवा, इसका शुभंकर क्या है? ईवा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये भारत के अंदर होगा, ये भी मोस्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछे आपसे 22वां राष्ट्रमंडल खेल 22 जो समापन हुआ, समाप्त हो गया, ये आपका इसका शुभंकर पूछे आपसे, तो पेरी दबुल, क्या है इसका शुभंकर? पेरी दबुल, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 22 इंग्लैंड के अंदर हुआ, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखेंगे, पेरी दबुल इसका शुभंकर है। नेक्स्ट पूछे 19वां एशियाई खेल 22 जो आपको चीन के हांगजू में होना था लेकिन स्थगित कर दिया गया, इसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिप लेटस है इसका शुभंकर। नेक्स्ट पूछे आपसे सवाल की आपका ऐसे एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए, प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था आपको भारत के अंदर हुआ था 1951 में, नई दिल्ली के अंदर हुआ था, ये भी मोस्ट याद रखेंगे। और नेक्स्ट पूछे तो 22 का चौथा खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर क्या, इसका शुभंकर क्या? धाकड़, जो आपका हरियाणा के पंचकुला में हुआ, ये पॉइंट याद रखें। 2022 का चौथा राष्ट्रीय चौथा खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर धाकड़। नेक्स्ट पूछे आपसे सवाल, लेकिन इसके पहले अगर आपसे पूछे प्रथम इसी प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था वो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। नेक्स्ट पूछे आपसे सवाल की तो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल जो आपको बीजिंग के अंदर जो आपको हुआ, इसका शुभंकर क्या? विंग ड्वेन ड्वेन, एक महत्वपूर्ण है आपका सवाल। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल जो आपका बीजिंग के अंदर चीन के अंदर हुआ, उसका शुभंकर क्या? विंग ड्वेन ड्वेन। नेक्स्ट पूछे आपका 2022 का पैरा शीतकालीन ओलंपिक खेल भी बीजिंग के अंदर, और इसका शुभंकर क्या है? तो सुई राउंड राउंड, क्या है? सुई राउंड राउंड, ये इसका शुभंकर है। नेक्स्ट पूछे 2022 का एशियन पैरा खेल भी चीन के हांगजू, इसका शुभंकर आपसे पूछे तो फेई फेई इसका शुभंकर है, याद रखिए। नेक्स्ट आपसे पूछे 2021 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ आपका, यानी दरमेश का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ जो टोक्यो के अंदर हुआ, जापान के अंदर हुआ, यानी आपका उसका शुभंकर तो मिराई गोवा। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, उल्टा आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी नंबर का हुआ, तो 32वां नंबर का हुआ, ये पॉइंट याद रखिए आप। और नेक्स्ट पूछे सवाल आपका कि 2021 का पैरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ बीच आपका जापान के टोक्यो के अंदर हुआ, इसका शुभंकर पूछे सुमाइटी, याद रखिए। नेक्स्ट आपसे पूछे 2020 का ईवा ओलंपिक खेल ये लुसाने जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है आपका, इसका शुभंकर क्या? तो योडली योडली इसका शुभंकर है, याद रखिए। नेक्स्ट 2020 का राष्ट्रीय खेल 2020 का राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर आपका जो संपन्न हुआ, उसका शुभंकर क्या है? बुलबुल रूबी गुल्ला, ये क्या एक पक्षी के नाम है, एक पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट पूछे 2022 का राष्ट्रीय खेल जो आपको होगा गुजरात के अंदर होगा, इसका शुभंकर पूछे क्लाउडेड तेंदुआ, ये भी पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट 2018 का फीफा वर्ल्ड कप ये रूस के अंदर हुआ, और इसका जाबी वाका शुभंकर है। और इसका सवाल अगर आपसे पूछ सकते हैं 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ और रूस के अंदर हुआ लेकिन जीता कौन, तो फ्रांस जीता, किसको रहे? क्रोएशिया को रहा। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले देश कौन सा, तो ब्राजील है जो 5 बार जीता है। नेक्स्ट पूछे आप सवाल की नेक्स्ट 2018 का जो आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो आपका 2018 का 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ, ओ उसका शुभंकर क्या है? तो बरोबी, इसका शुभंकर क्या है? तो बरोबी, याद रखें 2018 का 21वां राष्ट्रमंडल खेल बरोबी। और आपका जो हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, गोल्ड कोस्ट में हुआ। नेक्स्ट आपको जो 26 का यानी आपका क्या बोलते हैं 2022 के जो 22 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो इंग्लैंड के अंदर हुआ, ये भी पॉइंट याद रखें, पॉइंट याद रखें। 2018 का 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ जो कॉमनवेल्थ बोलते हैं, इसका शुभंकर जो बरोबी। तो इस तरह मैं आपके बीच वीडियो लेकर आया जो आज का टॉपिक था शुभंकर, विभिन्न खेलों का शुभंकर जो आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है।
तो जरूर बताएंगे इस वीडियो को जो जरूर देखने के बाद, पूरा देखने के बाद, कि कैसा लगा आज का वीडियो। और नेक्स्ट मैं टॉपिक लेकर आऊंगा जो ग्रुप डी का पेपर होगा कल, उसके लिए अति महत्वपूर्ण जो कल का पेपर देखते हुए मैं वीडियो लेकर आऊंगा, वो मोस्ट है आपके इसके लिए। तो कैसा लगा जरूर बताएंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में देखने के बाद। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग सुविधा रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश, कलम क्रांति, जिंदाबाद।